स्टूडेंट्स क्लास सेवन काउंट डाउन मैथेमेटिक्स चैप्टर नंबर नाइनटीन जिसका टाइटल है चैप्टर है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जो है एक ऐसी चीज़ें हैं कुछ कि जो इससे प्रीवियसली आपने नहीं देखी तो मुश्किल चैप्टर बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स को कई दफ़ा मुझे क्योंकि मैंने ये मेरा प्लान था कि मैंने अब ये सेवन्थ काउंट को नहीं करवाना मैं नाइन्थ और टेंथ की मैथ पर जा रहा था एट नाइन्थ टेंथ पर मोस्टली हमने वही वीडियोस बना रहे हैं लेकिन आप लोगों के बार बार इसरार के ऊपर बार बार कमेंट्स आते थे जो स्टूडेंट सेवन के हैं कि सर सेवन काउंट की मैथ भी बनाएं 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 बहुत ज़्यादा कमेंट्स में जाते थे कि सर उसका चैप्टर नंबर नाइनटीन जो है वो करवा दें तो ये बहुत आसान चैप्टर है देखें डाटा जो है ना आपको मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि डाटा आपको दिया जाता है आपको कई दफ़ा कोई वैल्यूज़ दी जाती हैं जैसे कि कोई क्लास है अगर क्लास है 40 स्टूडेंट्स की तो कहा जाता है कि एक टेस्ट हुआ एक टेस्ट हुआ और उसमें आ, किसी बच्चे के मार्क्स हैं आ, फिफ्टी में से 49 नाइन हैं किसी के फिफ्टीन हैं किसी के थर्टी हैं किसी के थर्टी फोर हैं किसी के कुछ हैं किसी के कुछ हैं आप बताइए इस सारे को अरेंज करके कि ओवरऑल सारों की परसेंटेज क्या थी या जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है इसको अरेंज कीजिए तो ये सारी बातें वो डाटा दिया होता आपको तो सबसे पहली चीज़ तो थी डाटा डाटा को दो फॉर्म में दो तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाता उसको पेश किया जाता दो तरह से डाटा को पहला एक जो फॉर्म है जो मतलब ये दोनों चीज़ें जो आप सीखेंगे मैं टोटली आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि जो आपकी बुक के अंदर है वो आपको उस वहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको दूँ और वो चीज़ आप आसानी से उसको समझ पाए आई विल ट्राई माई बेस्ट अच्छा अब डेटा की दो आगे टाइप्स हैं जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता प्रेजेंट किया जाता पहला एक ग्रुप फॉर्म में दूसरा अनग्रुप फॉर्म में ठीक है ग्रुप फॉर्म क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा क्या होता डाटा को अनग्रुप फॉर्म uh, में जो रिप्रेजेंट किया जाता वो क्या होता वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छा अब इसके बाद जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी वो ये है कि डाटा जब आपने उसको रिप्रेजेंट कर लिया इसको तस्वीरी शक्ल में भी uh, बताने का पेश करने का भी तरीका होता तो जो दो मेथड आपकी बुक में इस लेवल पे आपको डिस्कस किए गए एक है बार ग्राफ मतलब ग्राफ बना के बार बार ग्राफ बना के वो शो करना और दूसरा पाई चार्ट की फॉर्म में वो सर्कुलर आ, होता सर्कुलर बनाते और उसके अंदर बताते कि फलां डाटा इतने परसेंट है या इतना है तो वो सेक्टर्स होते सर्कल के अंदर वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आ, डिस्कस करेंगे चैप्टर नाइनटीन की वीडियोज़ के अंदर ओके सबसे पहले तो हम अब चल रहे हैं अनग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा इन रॉ फॉर्म जैसे कि ये डाटा आपको दिया हुआ ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर वन है पहले मैं आपको वो करवाऊंगा उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर वन जो आपकी ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर टू जो ट्रू फॉल्स का है वो करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम जो क्वेश्चन दिए हुए सम्स दिए हुए उनकी तरफ चलेंगे जो पहली पहली अगर आप अपनी बुक खोल रहे पेज नंबर टू के ऊपर जो एग्जाम्पल है अगर आप नहीं भी खोल रहे कोई इशू नहीं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा डाटा लिख दिया है फोर्टी स्टूडेंट्स हैं देर आर फोर्टी स्टूडेंट्स इन अ क्लास जिन्होंने ये मार्क्स लिए हैं तो किस एक के 42 है 38 है 37 है 75 है 49 है 52 है और ये सब डाटा दिया हो कोई इसका अरेंज नहीं है 42 मार्क्स पहले लिखे हुए हैं 32 8 बाद में फिर 37 फिर एकदम 75 आ गए तो इस तरह शो किए हुए कोई अरेंज नहीं है कि सबसे कम मार्क्स पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर जो सबसे मैक्सिमम नंबर जिस बच्चे ने लिए हैं वो पहले लिखे जाएं फिर उससे कम वाला बच्चा फिर उससे नहीं बस रैंडम फॉर्म में डाटा डाल दिया तो ये रॉ फॉर्म है डाटा की तो इसी को कहते हैं ये अनग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है और अन है अरेंज भी नहीं किया हुआ इसको ये अनग्रुप डाटा है इसको कहीं प्रॉपर ग्रुप्स की शक्ल में नहीं लिखा हुआ ग्रुप्स की शक्ल में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे सिखाता हूँ ये डेटा वो है ये डाटा वो है जो कि अनग्रुप डेटा है और अरेंज भी नहीं है ठीक है सबसे पहले अगर आपको यूं डाटा दिया हुआ हो क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें उसने आपको डाटा दे दिया है और अरेंज भी करके दे दिया है आपने सिर्फ उससे बारग्राफ बनाने और पाई चार्ट्स बनाने तो ये सबसे पहले तो आपको पता हो ना तो फिर आप चीजों को कर पाएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यह डाटा दे दिया और यह दे दिया ये दिया हुआ किस फॉर्म में मैंने आपको बताया अनग्रुप डाटा सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे देखिए हमने देखा सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इस पूरे के अंदर सबसे कम नंबर किस बच्चे ने लिए हैं ये 32 लिए हैं वो हमने राइट कर दिया फिर 34 ये 34 फोर हैं लिख दिया फिर 34 और भी किसी बच्चे ने लिए जी थर्टी फोर लिख लिया फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 36 मतलब इसको पूरा मैंने देख के ना तो मैंने ताकि टाइम बचे वीडियो बनाने में तो ये सारे को मैंने अरेंज कर लिया सबसे पहले जो सबसे कम नंबर थे वो लिखे फिर उसके बाद हाईएस्ट वो लिखे फिर उस क्या इतने ही किसी और बच्चे ने लिए हैं जी थर्टी वो भी लिख दिया तो सारे के सारे आप देखें यह फोर्टी स्टूडेंट का डाटा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये फोर्टी स्टूडेंट का डाटा मैंने लिख दिया और अरेंज करके लिखा देखें सबसे कम नंबर थर्टी टू और सबसे मैक्सिमम नंबर एटी नाइन ंड्रेड मार्क्स का टेस्ट होगा तो ये सारा मैंने डाटा मैंने लिख दिया यहां पे ये अरेंज डाटा है क्लियर हुआ अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो जो हमने डिस्कस करना है अगर डाटा यूं दिया हुआ हो तो एक चीज होती है रेंज हमने रेंज निकालनी होती है सबसे पहले ये आपने इंपॉर्टेंट है रेंज समझना क्योंकि आगे एक ट्रू फॉल भी दिया हुआ और वो ट्रू फॉल का आंसर बुक में पीछे गलत दिया हुआ है ठीक है तो इसलिए मैं यहां समझा रहा हूं आपको इसको गौर से समझिएगा रेंज क्या चीज़ होती है जो डाटा आपको दिया हुआ होता ना आपने देखना है कि डाटा जो दिया हुआ है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लेना है कैसे रेंज इज इक्वल टू जो हाइस्ट वैल्यू है उसमें से माइनस कर लेना है लोवेस्ट वैल्यू को तो आपके पास क्या आ जाएगी उसकी रेंज आ जाएगी अब हम चल रहे हैं कि ये जो अनग्रुप डाटा दिया हुआ इसको ग्रुप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात समझ में आ रही है ना जो अनग्रुप डेटा दिया हुआ होता उसको ग्रुप फॉर्म में कैसे लेके जाते ठीक है थीके? सबसे पहले तो आपने लिखना होता है रेंज निकालनी होती है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 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 लोवेस्ट और हाईएस्ट इन दोनों का निकाल लिया डिफरेंस तो यहां हम चलते हैं देखें सबसे पहले तो हम निकालते हैं रेंज क्या है रेंज है हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स हाइएस्ट वैल्यू है आपके पास एटी उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया लोवेस्ट वैल्यू को विच इज थर्टी टू तो रेंज हमारे पास क्या आएगी सेवन और फाइव फिफ्टी सेवन जो है हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई ऐसा है कि नहीं फिफ्टी सेवन हमारे पास क्या आ गई रेंज की वैल्यू आ गई फिफ्टी सेवन हमारे पास क्या आ गई रेंज की वैल्यू आ गई ये हम क्यों निकाल सब आपको पता चल जा रेंज क्या होती है डिफरेंस बिटवीन हाइस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू क्लियर ये ट्रू फॉल है जो हमने करना है आगे ये रेंज हो गई अब आगे क्लास इंटरवल क्या होता साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता ये चीजें मैं अब आपको बताता हूं जब आपने डाटा बनाना है डाटा बनाना है जो आपको अनग्रुप डाटा दिया हो उसको ग्रुप फॉर्म में लेके जाना है तो आपने बनाना होगा सबसे पहले एक टेबल ठीक है पहला कॉलम आपका क्लास इंटरवल ये क्लास इंटरवल है या ग्रुप्स ठीक है और फिर यहाँ मार्क्स और यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स उस रेंज में आते हैं आप पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा एक दफा सुकून से ना इसको जो चल रहे हैं इसको स्किप ना कीजिएगा मैं बढ़िया इस पर एफर्ट कर रहा हूं आप इसको स्किप ना कीजिएगा तो इंशाल्लाह सारा आपको समझ आएगा अगर आप एंड तक साथ चलेंगे बीच में स्किप कर देंगे तो आपकी मर्जी है ओके रेंज अब जब हमने डाटा को ग्रुप फॉर्म में अरेंज करना है ना तो हमने देखना है कि जो हमने कितने ग्रुप्स बनाने हैं हम कितने ग्रुप्स बनाएंगे अच्छा रेंज हमारी क्या आई हमने रेंज निकाली वो कितने ग्रुप्स बनाने हैं उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें पता हो कि रेंज कितनी है रेंज है फिफ्टी सेवन लेट सपोज जो हमने फाइंड किया सपोज नहीं ये तो फाइंड किए साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो आपकी बुक में लिखा हुआ मैं उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता हूँ इसमें उसने कैलकुलेशन तो नहीं की लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ ये थर्टी टू थर्टी टू से लेकर फिफ्टीन की उसने फिफ्टीन उसने आपके लिए हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल तो मैं भी वही फिफ्टीन ले लेता हूँ अगर आप टेन लेना चाहें तो आप टेन ले लीजिएगा ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं लेकिन फिर आपको ग्रुप्स उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स ज़्यादा बन जाएंगे अगर आप ये वैल्यू छोटी लेंगे ये आएगा आंसर थ्री पॉइंट समथिंग थ्री पॉइंट एट या थ्री पॉइंट नाइन तो इसको राउंड ऑफ करके तकरीबन तो uh, अगर करें तो आप फोर बन जाएगा क्योंकि फिफ्टी फोर या सिक्सटी होता ये बात समझ में आई है ना वरना मैं रफ वर्क यहाँ पर कर लेता हूँ आप कहें फिफ्टीन थ्री जो फोर्टी फाइव ट्वेल्व रिमाइंडर डेसीमल लगा जीरो आ गया तो फिफ्टीन एट ज़ा वन ट्वेंटी एग्जैक्टली थ्री पॉइंट एट आया ये बात समझ में आई ना तो क्या आया एग्जैक्टली थ्री पॉइंट एट इसको आपने राउंड ऑफ करके नियरली थ्री पॉइंट एट फोर के इक्वल है ये कर लिया तो हमें पता चल गया इससे इससे हमें क्या पता चलता कि हमारे कितने क्लास इंटरवल बनेंगे एक दो तीन चार क्लास इंटरवल बनेंगे क्लास इंटरवल कितने बनेंगे फोर साइज हमने कितना लिया फिफ्टीन क्लियर अच्छा यही अगर आप साइज ले लेते साइज ले लेते टेन का तो आपका आंसर आता फाइव पॉइंट सेवन मतलब नियरली इक्वल टू सिक्स तो आप छः क्लास इंटरवल बनाते तो वो क्लास इंटरवल बढ़ जाते आपके ग्रुप्स बढ़ जाते तो ये हमने ये लिया जो आपकी बुक में दिया हुआ ताकि आपको समझने में आसानी रहे अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमने क्लास इंटरवल तो ले लिए कि क्लास इंटरवल का साइज होगा फिफ्टीन uh, साइज होगा फिफ्टीन और कितने बनेंगे चार बनेंगे अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है थर्टी टू थर्टी टू से लेकर जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा थर्टी टू से लेकर कहाँ तक जाएगा थर्टी टू देखें थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर यहाँ यूं करता हूँ थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फिफ्टीन हो गया ना पूरे फिफ्टीन तो मतलब ये फोर्टी सिक्स तक जाएगा नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो फिर कहां से स्टार्ट होगा फोर्टी सेवन से तो फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी और सिक्सटी वन सिक्सटी वन तक जाएगा भाई क्लियर हुआ अच्छा अब नेक्स्ट जो है 61 से लेकर सॉरी ये सो, मैं क्या कर रहा हूं ये फोर्टी सेवन से स्टार्ट होगा और सिक्सटी वन तक जाएगा फोर्टी सिक्स तक यह आगे ना अब अगला स्टार्ट होगा 60, 47 से और जाएगा कहां तक 61 तक नेक्स्ट स्टार्ट होगा 62 से, ओके, ये कहां तक जाएगा सिक्सटी टू सिक्स थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी सेवनटी सेवनटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स तक ठीक है अब देखिए आप कहेंगे सर यहां से दो यहां तो 42, टू प्लस फोर्टीन 76 बनता है आप कह रहे हैं साइज़ है देखें इसमें 42 शाम, 62 शामिल है। 62 इसमें शामिल शामिल है है तो सिक्सटी वन के बाद 76 सिक्स तक अगर आप देखें तो सिक्सटी टू शामिल होके सिक्सटी वन प्लस फिफ्टीन 76 सिक्स बनेगा ये देखें ना इसमें प्लस फिफ्टीन करेंगे ये बनेगा इसमें प्लस फिफ्टीन करेंगे ये बनेगा तो अगर आप यहां देखें सर सिक्स से लेवेंटी सिक्स तो फोर्टीन बनते है? नहीं इसमें सिक्सटी टू इंक्लूसिव है सेवेंटी सिक्स भी इंक्लूसिव है अब नेक्स्ट क्या होगा सेवेंटी सेवन से सेवेंटी सेवन इसमें फिफ्टीन ऐड कर लें तो नाइन्टी वन हो जाएगा अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी एटी नाइन वो भी इसमें कवर हो जाएगी ना नाइन्टी वन वाले ग्रुप में ये बात समझ में आई है अच्छा अब देखिए अब सबसे पहले तो हमने देखना सर करना है मार्क्स डाटा लगा निकालते हैं थर्टी टू से लेकर फोर्टी सिक्स तक हमने डाटा अरेंज किया हमें आसानी हो जाएगी थर्टी टू से फोर्टी सिक्स तक कितनी वैल्यूज हैं एक दो तीन चार पाँच यहां पे रुक गए टैली मार्क्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन दो तीन चार ये चार लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है और फिफ्थ जो पांचवी लाइन होती है वो उसको यू क्रॉस में लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने पांच वैल्यूज देख ली एक दो तीन चार पाँच ओके अब दूसरी अब पहले तो हमने पांच देखी ना अब ये क्या है वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर रुक गए फिर टेली मार्क्स ने हमारी हेल्प की हमने फाइव लगा लिया कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहां पर रुके अब वन टू थ्री फोर अब हम ये फोर पे रुकेंगे क्यों क्योंकि आगे फोर्टी सेवन है वो तो इस ग्रुप में आएगा ही नहीं वो तो अगले ग्रुप में चला जाएगा तो वन टू थ्री फोर ये बात समझ में आई टेन ही मार्क्स हमें पता चल गया फाइव ये फाइव ये टेन प्लस फोर कितने हो गए फोर्टीन यहां हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं फोर्टीन स्टूडेंट्स के क्लियर हुई बात अब आगे चलते हैं फोर्टी सेवन से लेकर सिक्सटी वन तक वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर रुक गए वन टू थ्री फोर और फाइव यू वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर रुक गए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक ना वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि आगे सिक्सटी टू आ गया सिक्सटी टू जो है अगले ग्रुप में चला जाएगा ये फाइव और फाइव कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेन आगे चलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्सटी टू से ना वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा वन टू थ्री क्यों आगे सेवेंटी सेवन है और 77 जो है वो तो अगले ग्रुप में चला जाएगा तो वन टू थ्री बस थ्री होंगे ओके okay, लिख दिया हमने अब नेक्स्ट चलते हैं ये हम 77 इस पे रुक गए थ्री फोर फाइव क्योंकि आगे 77 नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो गया ना वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा वन टू थ्री फोर फाइव और आगे है वन टू थ्री वन टू ये मैं ये कॉमा है ये कितने थे फाइव प्लस थ्री एट और ये कितने हैं फाइव प्लस थ्री एट अब इनको ऐड करें ऐड करें फोर्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फोर प्लस एट थर्टी टू प्लस एट फोर्टी तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी यहां पे आप नीचे क्या लिखेंगे फोर्टी मैं इसके नीचे जगह नहीं है तो यहां ऊपर लिख रहा हूं फोर्टी तो आपके पास देखिए आपने सारे डाटा को अरेंज कर लिया ये आपका डाटा किस फॉर्म में है इसे कहते हैं यह है ग्रुप डाटा इतना बड़ा ऊपर आप देखें तो डाटा लिखा हुआ था किस फॉर्म में यह देखें ना बिल्कुल रैंडम फॉर्म में अनग्रुप डाटा था यहां आप फॉर्म बता सकते हैं कि देर आर थर्टी देर आर फोर्टीन स्टूडेंट्स जिनके थर्टी टू से लेकर फोर्टी सिक्स तक मार्क्स हैं टेन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स फोर्टी सेवन से लेकर सिक्सटी वन तक हैं एट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 62 से 76 तक हैं और 77 से लेकर 91 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो भी एट स्टूडेंट्स हैं तो ये सारा जो इतना सा टेबल है ये फॉर्म में आपने लिखा इसने ऊपर वाला सारा डाटा आपको जो है ना इतना सिंपली बता दिया तो ये फॉर्म होती ग्रुप डाटा की फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म है ये है अनग्रुप डाटा ये बात समझ में आई होगी आई होप आपको अब ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डाटा आपको समझ में आ गया कि ग्रुप डाटा क्या होता है ठीक है और अनग्रुप डेटा वही है ग्रुप फॉर्म ये अनग्रुप फॉर्म ये ये अरेंज नहीं है यहां आपने इसको अरेंज कर लिया और रेंज भी आपको समझ में आ गई कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज योर रेंज और जो क्लास इंटरवल है उसका साइज आप कोई भी ले सकते हैं तो उससे आपके पास आ जाता है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होंगे रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो भी आप रखना चाहें यहां हमने 15 लिया तो हमने पता चल गया कि हमारे चार ग्रुप्स में सारा डाटा आ जाएगा यह बात हमें समझ में आ गई अब ये जो ग्रुप फॉर्म का डाटा होता जो ग्रुप फॉर्म का डाटा होता तो इसको अरेंज करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल फॉर्म में तस्वीरी शक्ल में हम इसको जो शो करते हम इसको जो रिप्रेजेंट करते तो वो जो है वो कैसे करते ऐसा वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं के दो इसकी फॉर्म्स हैं इसकी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं लेकिन आपकी इस लेवल पे जो आपको इस बुक में दिया हुआ वो दो फॉर्म्स हैं एक है बारग्राफ और एक है पाई चार्ट एक है बारग्राफ और एक है आ, क्या बोलते हैं पाई चार्ट अच्छा ये जो टेबल है ना इसमें आपने डाटा को किसमें लिखा आ, क्लास इंटरवल और सारा इसकी फ्रीक्वेंसी यूं लिखी इसका एक और नाम भी है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप अगर पेज बुक पे आए तो पेज नंबर 242 के टॉप पे आपको एक ग्रीन कलर की डेफिनेशन नजर आ रही है अ टेबल दैट शोज क्लास इंटरवल्स एंड देयर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यह है कि इतने स्टूडेंट्स उनके मार्क्स ही है अ टेबल दैट शोज द क्लास इंटरवल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कार्डा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आ गया डेफिनेशन रीड करें टू फोर्टी टू के टॉप पे समझ में आ जाएगा अब अगला जो डेफिनेशन है वो रेंज की जो मैंने आपको रेंज बताई थी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ डाटा जो हमने निकाली थी ना फिफ्टी सेवन आई थी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी हमारी एटी नाइन और स्मॉलेस्ट क्या थी थर्टी टू तो क्या आई थी हमारे पास रेंज फिफ्टी सेवन तो ये हमारे पास क्या थी रेंज ठीक है वही कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा क्लियर हुआ तो ये हमारी दो डेफिनेशन भी हो गई अच्छा अब अगली जो डेफिनेशन है ना वो है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ठीक है हर क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज होती है ना ये स्मॉल लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू ऐसा इसे कहते हैं लोअर वैल्यू और इसे कहते हैं अपर वैल्यू अपर वैल्यू लिखा हुआ अगर आप उस दूसरा जो ग्रीन वाला बॉक्स है क्या होता है स्मालेस्ट वैल्यू एंड वैल्यू। आर क्लास और इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट या अपर वैल्यू या अपर क्लास लिमिट क्लियर हुआ ओके अब अगर आगे अगर आप देखें तो उससे अगले से अगला पैरा के अंदर पहली पहली लाइन है द साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल इस क्लास साइज इसका साइज कितना है इसका साइज है फिफ्टीन ऐसा ही ना तो ये क्या कहलाएगा क्लास साइज या इसका एक और नाम भी है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया रेंज फिर आप निकालते हैं अपना क्लास इंटरवल का साइज जो हमने फिफ्टीन रखा क्लियर हुआ और फिर हमें पास चल गया था हमारे पास चार जो है वो इंटरवल्स बनेंगे तो ये सारी चीजें यहां लिखी है मैं आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा अब बार बार ग्राफ 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 जो होता है ना बार ग्राफ क्या चीज होती ये ग्राफ आपने कई दफा देखे होंगे यूं ग्राफ होता ये आपकी एक्स एक्सिस होती और ये आपकी बेटे वाई एक्सिस होती ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते तो ये इस फॉर्म में ग्राफ होता यहां आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो इसको अब हम आगे चल के आई होप ग्राफ आपको कुछ कुछ बार ग्राफ का मैंने बताया लेकिन हम इसको आगे एक होता पाई चार्ट ये देखिए सर्कल की फॉर्म में होता ये भी ग्राफ है, ये भी एक, ये चार्ट है पाई चार्ट है इसे कहते ये है बार ग्राफ, ओके, और ये होता आपका पाई चार्ट क्या होता पाई चार्ट इसमें डाटा को आप रिप्रेजेंट करते सेक्टर्स की फॉर्म में आपको पता है सर्कल होता है ना सर्कल ये है और ये दूसरा सेक्टर है यहां पे सर्कल का टोटल अच्छा आपको पता है ना सर्कल का टोटल एंगल ये सर्कल है ना पूरा इसका टोटल एंगल वापिस यहां से यहां तक कितना होता थ्री डिग्री होता कितना होता सर्कल का टोटल जो एंगल है वो होता थ्री सिक्सटी डिग्री आप कभी आपके पास प्रोटेक्टर है आप देखें यूं होता ना प्रोटेक्टर ऐसा यहां पे जीरो होगा यहां वन एटी होगा ऐसी ना उस पर यहां वैल्यूज होगी प्रोटेक्टर ऐसा होता ना। तो यहां से लेकर यहां प्रोटेक्टर आपका सेमी सर्कल होता आधा सर्कल यहां से यहां तक कितना है वन और फिर अगर आप उसको नीचे ऐसे रख दें तो मतलब 180 और 180 यहां से अगर यहां तक 180 है और फिर यहां से यहां तक वापस जाए तो ये 180 और है तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया 360 डिग्री समझ में आया तो सर्कल का पूरा एंगल कितना होता 360 डिग्री तो पाई चार्ट होता आपका एक सर्कुलर फॉर्म में तो इसके अंदर सेक्टर्स की शक्ल में आप डाटा को शो करते तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ सबसे पहले जो ना पेज नंबर 246 के ऊपर टॉप पे पाई चार्ट की डेफिनेशन भी लिखी हुई लिखा हुआ अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट मैंने लिखा आप पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट ओके ऑन विच जिसके अंदर डाटा इज रिप्रेजेंटेड डेटा को शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कल ठीक है सेक्टर्स की शक्ल में डाटा को शो किया जाता है कैसे जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में इंशाल्लाह जरूर अल्लाह के करम से आ जाएगा ठीक है वहां जब जाएंगे मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा अब हम आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है प्रॉपरली उसको हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं उसमें पहला पहला जो क्वेश्चन है न, है ना वो फिल इन ब्लैंक्स का क्या है फिल इन ब्लैंक्स का ब्लैंक्स है तो पहली पहली ब्लैंक है अनग्रुप डेटा आर रॉ डेटा क्लियर मैंने आपको बताया करते हुए जब हमने डेटा किया कि अनग्रुप डेटा रॉ डेटा इसके अलावा अगर पेज नंबर 241 के टॉप पे आए पेज 241 की पहली, पहली, पहली लाइन क्या लिखी हुई है देखें 241 के टॉप पे अनग्रुप डाटा इज द डाटा इन रॉ फॉर्म यहीं से उसने वो ब्लैंक उठाई है तो पहली पहली ब्लैंक जो क्वेश्चन नंबर वन है ब्लैंक्स वाला ब्लैंक्स वाला तो पहली पहली जो ब्लैंक होगी उसका आंसर क्या होगा रॉ डाटा अनग्रुपड डाटा क्या होता है रॉ डाटा दूसरी ब्लैंक पे आते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ आ क्लास इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल ऐसा है ना किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर और अपर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस क्या कहलाता क्लास इंटरवल ऐसा या साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल ठीक है ना क्लास इंटरवल मैंने लिखा हुआ देखिए किसी भी द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल समझ में आ गया तो दूसरा क्या होगा क्लास इंटरवल थर्ड पे आते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अपीयर्स इन अ क्लास इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी थर्ड होगी frequency. क्यों भाई देखें मैं आपको बताता हूं थर्ड में कह रहा है दोबारा पढ़ते हैं द नंबर ऑफ आइटम्स देखें ना इस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं फोर्टीन स्टूडेंट्स हैं द नंबर ऑफ आइटम्स द नंबर ऑफ आइटम्स 14 जो है हम उसको समझ लें नंबर ऑफ आइटम्स द नंबर ऑफ आइटम्स एन आइटम अपेयर्स इन अ क्लास कोई भी चीज कोई भी आइटम द नंबर ऑफ आइटम्स दोबारा आप सुनो नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स ये कितनी दफा द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अपेयर्स इन अ पार्टिकुलर क्लास इंटरवल ये कितनी दफा आ रहा है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो ये फोर्टीन टाइम्स आ रहा है तो ये क्या कहलाएगी इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी समझ में आई बात अच्छा द नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा कोई आइटम अपेयर हो रहा है क्लास इंटरवल में वो कहलाएगा उसकी क्लास तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर अच्छा फोर पे आते हैं इन अ बार चार्ट जैसे बार चार्ट बनाया था द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द बार ये यहां फोर्थ का आंसर होगा हाइट ठीक है मैं बार का जो बनाऊंगा तो फिर ये ये बार बारोग्राफ बनाते हैं ना तो आप यूं डाटा बार्स बनाते हैं वहां पे कोई भी डाटा होता वो कितनी दफा है तो उसकी आप हाइट से बताते कि कितना जो है द नंबर इन अ बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द बार चार्ट ये समझ ले अब हम आगे चलते हैं मैं जब बार ग्राफ बनाऊंगा इंशाल्लाह साथ साथ आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा अब पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू कह रहा है एक पाई चार्ट को आप डिवाइड करते हैं कितनी डिग्रीज में मैंने अभी बताया आपको कितनी डिग्रीज होती हैं 360 तो आंसर क्या आएगा 360 डिग्री समझ में आ गया स्टूडेंट्स आई होप ये समझ में आ गया सारा आपको तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे वो है ट्रू फॉल्स का अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर टू है ट्रू फॉल्स का नंबर वन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास ऑफ क्लास इंटरवल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था बताया था आपको ऊपर लिख के मुश्किल होता है क्लास इंटरवल पे ओके एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ठीक है क्लास इंटरवल होती है और फ्रीक्वेंसी होती है तो पहला वाला क्या हो गया ट्रू फॉल ये क्वेश्चन नंबर आपका ट्रू है ट्रू एंड फॉल्स का तो पहला वाला क्या हो गया यह ट्रू हो गया आपका यह बात समझ में आई दोस्तों अब दूसरे पे आते हैं ट्रू फॉल पे, फिर तीसरा आएगा फिर फोर आएगा टोटल कितने फाइव आएगा पहले पे पहला हो गया हमारा ट्रू क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यही होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। सेकेंड है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट अपर और लोअर क्लास लिमिट के अंदर जो डिफ्रेंस uh, है वो कहलाती रेंज ये इसका आंसर पीछे दिया हुआ है ट्रू ये फॉल्स है मैं आपको भी प्रूव करता हूं मैंने आपको रेंज की डेफिनेशन बताई रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ये बुक वाला भी इंसान है गलती हो सकती है कोई समस्या नहीं खुद पे परेशानी होना करो कॉन्फिडेंस रखा करो रेंज की डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा एंड द लोवेस्ट वैल्यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा डेफिनेशन देख लो लेकिन यहां जो वो कह रहा है ना उसकी स्टेटमेंट देखें आप टू की वो कह रहा है रेंज इज द डिफरेंस रेंज जो है वो क्या है रेंज डिफरेंस है किसमें बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स दीज आर द क्लास लिमिट्स क्लास इंटरवल है आपका तो इस क्लास की लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट ये है अभी मैंने लिख के दिखाया दिखा था ना आपको अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं मैंने ये आपकी क्या है लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है ऐसा ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है तो ये इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमने पढ़ा ना ये कहलाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये रेंज नहीं होगा ये बात समझ में आई रेंज क्या होता है सारे डाटा की सारे डाटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है याद है जो हमने निकाली थी 89 नाइन माइनस फिफ्टी टू माइनस थर्टी तो क्या आई थी 57 ये आपकी रेंज थी हाँ अगर वो कह देता कि रेंज ऑफ अ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल तो फिर चलो हम कुछ कुछ मान लेते ये कह रहा है रेंज तो रेंज जो है वो पूरे डाटा की होती है और वो होती है डाटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस डाटा की लोवेस्ट वैल्यू यहां पे ये होगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल तो ये पीछे हमने आपको मैंने दिखाया भी था अगर हम पेज नंबर टू फोर्टी टू पे आए दरमियान में बोल्ड के लिखा हुआ लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इच उसकी ऊपर लाइन पढ़ें ईच क्लास इंटरवल उसके बाद एक पैराग्राफोड़ लिखा है साइज ऑफ अस इंटरवल इज कार्ड द्लास साइज ठीक है अच्छा वही कैन क्लिक साइज बाई डिडिंग द डाटा रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ठीक है वही चीज हमने रेंज डिवाइड बाई जो आपका साइज था क्लास इंटरवल का डिवाइड किया तो आपके पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आते थे क्लियर हुआ तो भाई यही चीज़ है तो ये इसका फॉल्स है अगर सिर्फ इस एक लाइन को देख के आप लिखे तो ठीक है इसको दूसरे पे आए में कहा जा सकता है कि ये ट्रू हो सकता लेकिन अगर सिर्फ आप स्ट्रिक्ट रहें कि जो उसने लिखा है स्टेटमेंट कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स तो नहीं मैं नहीं मानता बाकी अगर कोई टीचर कहे अगर आपको क्लास टीचर कहे नहीं वो जो बुक वाले लिखा ठीक लिखा है पीछे आंसर भी ठीक है तो आपने अपने क्लास टीचर की बात माननी है ठीक है क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स तो मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना गलत भी हो सकता है लेकिन मैं आपको मैंने जस्टिफाई करके दिया कि इसका आंसर ये है थर्ड वाले पे आते हैं हम थर्ड पे है इन अ बार चार्ट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड द डाटा वैल्यूज बिल्कुल बार चार्ट के अंदर जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर मैं ये आगे करवाता हूँ आपको समझाता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है डाटा uh, वैल्यूज होती हैं तो ये ट्रू है

क्लास साइज या साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स इसके अंदर और भी वरीकी है लेकिन वो भी आपके लेवल की नहीं है क्लास बाउंड्रीज होती हैं क्लास बाउंड्रीज होती हैं क्लास बाउंड्रीज दोनों जो है ना वो सब्ट्रैक करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है आपकी साइज ऑफ क्लास क्लास इंटरवल की तो इसलिए अब मैं उस बारीकी में जारी रहा क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ तो अभी तक के लिए बस इतना चलें अच्छा फिफ्थ पे आते हैं हम द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ठीक है द इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज थी इनको ऐड किया क्या आया 40 तो याद करें जो आपको एग्जाम एग्जाम्पल वन थी उसमें उसने बताया था कि ये डाटा कितने स्टूडेंट्स का है 40 स्टूडेंट्स का जब हमने सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज को जमा किया तो भी हमारे पास डाटा फोर्टी आया तो क्या रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स जितने भी डाटा आइटम्स थे उसके अंदर वो फोर्टी थे ना इज इक्वल टू द सम ऑफ कैसे इक्वल होगा जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी उनको सम के बराबर होगा बिल्कुल ऐसे ये बात समझ में आई तो ये भी ट्रू हो गया क्लियर स्टूडेंट्स तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू हो चुका अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की जाने जिसके अंदर वो कह रहा है कि आप बना के दीजिए बारोग्राफ तो आइए अब हम बारोग्राफ को स्टार्ट करते हैं चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर थ्री को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के अगर आप ऊपर डिस्क्रिप्शन देखें तो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स रिप्रेजेंट द सेम बाय अ बार ग्राफ सबसे पहले तो आपने ग्राफ ड्रा करना ही हो ठीक है थीके? आपने ग्राफ ड्रा कर लिया अपनी बुक पे आ, जो नोटबुक है जिसपे है जो आप एग्जाम में लेके जाएंगे पेपर उस पर पे, अगर आप साथ में ग्राफ ले जाएंगे ग्राफ चार पाँच तो वो भी कोई मसला नहीं है टीचर अलाउ करते होते उस ग्राफ को अपनी पेज पर पे स्टेपल कर दीजिएगा तो उससे बेहतर है कि अगर आप यूँ कर लें ऐसे हम अब अब्बा का खर्चा ना करवाए फजूल में जब इस पर काम हो सकता है तो अच्छा तो सबसे पहले तो ये आपकी हॉर्जेंटल एक्सिस होती हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होती हैं वो होती हैं आपकी वाई एक्सिस क्लियर हो ये बात अच्छा अब इधर आपने लेना है आपको दो चीज़ें दी हैं एक तो दिया हुआ है ब्रांड ठीक है और दूसरा है परसेंटेज ऑफ बायर्स ब्रांड और इधर परसेंटेज ऑफ बायर्स आपने इसको पूरा लिखना यार मैंने यूँ लिख दिया या उसने भी यूँ लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ बायर्स पर सन ज ऑफ बायर्स ये बायर्स लिखा हुआ अच्छा <laughs> राइटिंग पे गुजारा कर लेना फोर्टी अब आपने देखना है कि मैं ग्राफ ऐसे बना सकूँ कि ऐसा ना हो इनके दरमियान गैप एक जैसा होना चाहिए मैंने तो एक रफली बनाया ऐसे स्केल से वो एल्युमिनियम का स्केल है तो आपके पास चूँकि एक्चुअल स्केल होगा तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल एक जैसा गैप हो और नीचे भी कोशिश करनी है ऑलमोस्ट एक जैसा सब में गैप हो ठीक है तो ये आपने बना लिया आपने जब नंबर ऑफ बायर्स मैंने देखे ना अपने ग्राफ के अंदर तो मैंने देखा कि ये है फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और फोर्टी मैक्सिमम वैल्यू है फोर्टी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया फिर इसको मैंने सोचा कि ब्रेक कर लूँ थर्टी फाइव थर्टी फाइव फाइव के हिसाब से ना फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी आप चाहें तो दस दस के हिसाब से बना सकते हैं दस बीस तीस चालीस ऐसे पचास ऐसा ना हो कि आप फोर्टी की वैल्यू यहाँ रख लें फिर एक ट्वेंटी की रख लें और ऊपर वाली सेल भी जगह खाली हो जाए तो ग्राफ अजीब सा बनेगा बड़ा रीजनेबल बनाना चाहिए ऐसा ना हो कि वो फोर्टी ऊपर ही ले जाए तो वो बनाना ही बड़ा मुश्किल ऐसे नहीं बहुत रीजनेबल बनाना चाहिए अल्लाह ताला ने आपको अकल दी उस उसकल को इस्तेमाल करना है ओके एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ आपने परसेंटेज ऑफ बाइर लिया यहाँ आपने ब्रांड दिखाया आपने जो डाटा उसने दिया था ना उसको ग्राफ पे देख शो कर दिया पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर फॉर्म में ए ब्रांड जो है ना देखिए अगर मैं बुक बंद कर दूँ ना मैं देख के फौरन बता सकता हूँ कि ए जो ब्रांड है वो कितना बिका इस टैन में फोर्टी परसेंट परसेंटेज ऑफ ये सारी परसेंटेज हैं ना पर लिखा हुआ ना परसेंटेज ऑफ बाय ए बिका फोर्टी परसेंट बी बिका ट्वेंटी फाइव परसेंट सी बिका ट्वेंटी परसेंट डी बिका टेन परसेंट और अदर्स बाकी जो ब्रांड्स थे आ, मतलब जो थे वो बिके टोटल सारे मिला के फाइव इस फॉर्म में आपने इसको शो करना है तो ये है ये आपका क्या है बार ग्राफ अब आपको वो जो एक हमने ट्रू फॉल किया था आ, कौन सा थर्ड वाला लिखा इन बार बार चार्ट या बार ग्राफ द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यूज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यूज देख लिया हमने वो कर लिया ठीक है भाई तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे तो वो भी बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर फोर मैं अब यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर करवा रहा हूं तो उसमें डाटा जो दिया हुआ ना उसमें वो कह रहा है क्लास एक्स रिजल्ट फॉर द लास्ट फाइव इयर्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन बाय गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ तो इधर आपको दिया हुआ ईयर्स साल दिए हुए ईयर साल ओके okay. और कितने हैं पांच साल हैं मैं ईयर इस साइड पे लिख लेना आपने नाइनटीन एटी वो कह रहा है क्लास है किसी भी स्कूल के अंदर क्लास का नाम उसने नाम दे दिया क्लास एक्स उसका पाँच साल का जो रिजल्ट है ना परसेंटेज में वो आपको दिया आपने उसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है नाइनटीन एटी सिक्स नाइनटीन तक एटी सिक्स नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी एट नाइनटीन एटी नाइन और नाइनटीन क्लियर हुआ और जो इधर उसने दिया हुआ ये आपके ईयर हो गए और इधर क्या है आपका रिजल्ट इन परसेंटेज रिजल्ट इन परसेंटेज उसने साइन बनाया परसेंटेज का आप पूरा लिखते हैं कैसे हंड्रेड परसेंट तक जाता था ना तो हम शुरू क्यों करते कि ये देखिए ये तो हमारे पास बना हुआ बनाया ना तो इसी को हम यूज़ कर लेते उसमें तो हमें कोई इशू नहीं होगा 90 तक जाना है हमने तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हंड्रेड सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है ना वो है सेवेंटी तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा हम हंड्रेड नाइन्टी एट्टी सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी और थर्टी इसमें लरफा रही अलिकम व बरकातहू होपफुली स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल ये जो वीडियो बनाई है इसमें अब आगे क्वेश्चन नंबर फोर आएगा फिर क्वेश्चन नंबर फाइव आएगा और फिर क्वेश्चन नंबर एट आएगा इन तीन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर में जब आपने ग्राफ बनाना है यू वर्टिकली जो वाई एक्सिस के अलाउं आपने लिखना है तो क्वेश्चन नंबर फोर में नीचे मैंने जो एंड किया है मैंने उसको थर्टी पे किया है तो ऐसे ऊपर से चलते हुए ना आप आ रहे हैं हंड्रेड नाइन्टी एटी सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी थर्टी और फिर थर्टी से नीचे आपने यूँ लाइन जैसे जो गैप आपने ऊपर नाइन्टी और एट्टी के दरमियान रखा फिर एटी और सेवेंटी फिर सेवेंटी और सिक्सटी फिर फिफ्टी और फोर्टी और थर्टी और के दरमियान रखा उसी तरह आपने नीचे दो लाइन और लगा लेनी है इसमें एक लिखना है आपने ट्वेंटी और फिर लिखना है टेन और फिर उसके नीचे आके आपने जो ज़ीरो जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो यहाँ आपने दो सिर्फ पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं ट्वेंटी और टेन ताकि ये फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी इसी तरह से और क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर आप आएँ तो क्वेश्चन नंबर फाइव में जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस है उसमें गरीब हम टू हंड्रेड से स्टार्ट ले रहे हैं टू हंड्रेड से तो आपने नीचे वहाँ एक लाइन लगा के एक हंड्रेड और ऐड कर देना उसी गैप का फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन लगानी है सीधे ऐसे ही ऐसे लगाते हैं हॉरिजेंटल एक्स एक्स एक्सिस सिर्फ जैसे ऊपर से तरतीब से आ रहे हैं फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड फिर उसके बाद हंड्रेड सिर्फ एक और ऐड कर लेना है इसी तरह की चीज़ क्वेश्चन नंबर एट के अंदर भी है क्वेश्चन नंबर एट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी क्योंकि उसमें कम्पेरेटिव ग्राफ बनाना है तो उसमें भी जब आप आ रहे हैं ऊपर से तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेस निकाल रहे हैं वो आप फिफ्टी पे आके फिफ्टी से स्टार्ट लेते हैं फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटी नाइनटी तो हंड्रेड और फिर फिफ्टी से नीचे वाली जो, जो जगह है वहाँ पर आपने उसी गैप के जिस गैप के ऊपर बनाए फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी सिक्सटी सेवेंटी उसी गैप के नीचे फिफ्टी से नीचे फोर्टी थर्टी और ट्वेंटी और टेन ये ये लाइन्स लगा लेनी है ताकि यहाँ से भी हम जीरो से स्टार्ट करें बाकी ऑल द बेस्ट आई होप समझ में आ रहा होगा ये देखें हमारा ग्राफ बड़ा बेहतरीन बनेगा ये जो पहली पहली वैल्यूस उसने हमें दिए ना वो दी हुई है 90% पे ये नहीं ये हमारा बन गया अह uh, 86 का 70% सॉरी 86 का जो है वो है 70% के लिए इसी के अकॉर्डिंग दिए हैं 70% पहला हमारा बन गया ओके okay. 87 का है 75% 87 का है 70 फाइव परसेंट तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं एटी ना हो और सेवेंटी ना दरमियान में ले आए ये ले यहाँ पे ये ले यूँ बनाएंगे आप स्केल से बनाएंगे ना तो आपको तो इन शाला बहुत अच्छा बनेगा ये न, ये ये आ रहा है आपका सेवेंटी परसेंट ये आ रहा है आपका सेवेंटी फाइव परसेंट देखें ये एटी ये है ये एटी और सेवनटी के दरमियान में है नेक्स्ट जो है नाइनटीन एटी एट में है एटी परसेंट तो इसको माई डियर स्टूडेंट्स एटी परसेंट तक ले जाए यहाँ पे एटी परसेंट है ये आपका स्केल से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा ठीक है तो ये आपका 80 परसेंट बन गया ऊपर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा कि ये देखिए एटी के बराबर ही आ रहा है मैं बाई हैंड बना रहा तो ऐसा बन रहा है भाई गुजारा करना दोस्तों एटी का है नाइनटी ओ माई गॉड कितना 85 तो ये यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे ये ले, ठीक है आप इसको बनाएंगे तो बड़ा अच्छा बन जाएगा स्केल से ये ले ठीक है अब लास्ट जो है ना वो है नाइन्टी परसेंट मतलब यार अच्छा स्कूल है और अच्छी क्लास है कि रिजल्ट ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है तो नाइनटीन नाइन्टी में जो रिज़ल्ट बन रहा है ना वो बन रहा है फ्रेंड्स कोई नाइन्टी परसेंट के करीब ये देखिए ये, ना 90, ये है ना नाइन्टीन ये आ गया ठीक है ठीक है तो आप इसको इस तरह आप इसको डिफरेंट कलर से शेड भी कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ इसको शेड भी कर सकते हैं बड़ा अच्छा बन जाएगा इन रंग बिरंगा खूबसूरत सा बन जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया तो ये हमने इधर ले लिए कि इन इन सालों का रिजल्ट है ये, ये परसेंटेज है और रिजल्ट इन परसेंटेज पर फॉरम पता चल गया 86 में परसेंटेज थी 70 87 में थी 75 88 में थी 80% परसेंट 89 में थी 85% परसेंट और नाइनटीन में में ठीक परसेंट ओके अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर उसमें भी बड़ा आसान है ये समझ में आ गया ना आपको तो ये हम क्वेश्चन नंबर फाइव को स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या है उसमें कह रहा है पांच कंट्रीज द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेस द करंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1980 1980 के अंदर उसने कहा पांच कंट्रीज जो मैंने आपको दिया ना इनमें ना जो प्रोडक्शन हुई है सीमेंट की वो आपको कंट्रीज का नाम बता दिए और बता दिया कि कितनी प्रोडक्शन हुई है इन लैक मैट्रिक टर्म्स में तो यहां आपने लिख देना है प्रोडक्शन इन लैक मैट्रिक टन यहाँ तो आएगा ना आपका ये जो आपको उधर उसने दिया था थर्ड वाले में वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यूज डाटा वैल्यूज यहाँ पे आएगी और वो कितनी है फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड और एट हंड्रेड और एट फिफ्टी तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें इधर हम वो लगा लेंगे अपनी वैल्यूज़ तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसा तो हम 900 तक जाएंगे ना 850 फिफ्टी है वहाँ पर तो 900 हंड्रेड यहाँ पर लिखते हैं 800 हम यहाँ पर लिखते हैं 700 हंड्रेड हम यहाँ पर लिखते हैं 600 हंड्रेड हम यहाँ पर लिखते हैं 500 हंड्रेड यहाँ पर फोर हंड्रेड यहाँ पर फिर थ्री हंड्रेड यहाँ पर और टू हंड्रेड वहाँ पर ओके डेटा हमारा अच्छे तरीके से रिप्रजेंट हो जाएगा और यहाँ पर हमने क्या लिखना है कंट्रीज़ यहाँ पर हमने दोस्तों क्या लिखना है यहां पे आएंगे आपके वाई एक्स एक्सिस के अलाउ कंट्रीज सबसे पहले है जापान अमेरिका जर्मनी इंडिया जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर फिर अमेरिका को थोड़ा तो तो जगह बच जाएगा हमारे पास अमेरिका फिर जर्मनी टेक्नोलॉजी में अच्छा है ये भी फिर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरीत इंडिया फिर स्पेन ओके स्पेन वर्ल्ड चैंपियन भी रहा फुटबॉल का और बहुत सारा इंडस्ट्री में भी अच्छा है अच्छा ये सब आ गए तो अब हमने इनका बनाना है भाई बारग्राफ जापान में जो साल की हुई है कितनी हुई है 850 फिफ्टी मैट्रिक क्यों तो भाई समवेयर बिटवीन दिस यहां पे होगी कहीं दरमियान में 900 और 800 के दरमियान में यहां ये यह ले दोस्तों जापान की थोड़ा सी टेढ़ा भी होगा लेकिन यार गुर्दा बर्दाश्त करना मैं तो हाथ से बना रहा हूं 850 फिफ्टी वैल्यू ठीक है 850 फिफ्टी का ये ग्राफ हो गया आपका अब आते हैं अमेरिका पे अमेरिका की कितनी हुई है एट तो लो, अमेरिका भी मना लेते हैं हम ये एट हंड्रेड वहां पर होगी और फिर जर्मनी है जर्मनी की हुई है फाइव हंड्रेड ये फाइव हंड्रेड के सामने आएगा जर्मनी ये देखो ना यहां पे लो भी दोस्तों ये जर्मनी हो गया 500. ओके फिर इंडिया कितना है इंडिया है 600. हंड्रेड तो इंडिया इज समेयर हेयर यहाँ पे देखो ये 600 हंड्रेड यहाँ पे ये इंडिया हो गया कितना 600. देखो फाइव से ऊपर अब स्पेन सबसे कम है 400. हंड्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 हंड्रेड यहाँ पे बेहतरीन हो गया ये तो हंड्रेड ठीक हुआ तो ये हमारा स्पेन भी हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा हो गया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस टू प्ले क्रिकेट आर गिवन बिलो ड्रा रिप्रेजेंट द सेम अब क्लासेस दी हुई है सिक्स सेवन एट नाइन और कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स तो अब यहां पे हम वो दिखा क्लास सिक्स में फोर बच्चे हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं क्लास सेवन के भी बच्चे बताए हुए क्लास एट के भी और क्लास नाइन के यहां पे हम क्या लिखेंगे क्लासेस ओके क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्लास सिक्स है क्लास सेवन है क्लास एट है क्लास नाइन है और क्लास ओके फिर इधर क्या है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट ऐसा ओके अब यहाँ पे आते हैं हम तो हम यहाँ पे इसको यूँ लिख लेते हैं सबसे पहले फोर टू टेन एट ना तो फिफ्टीन तक है तो अब हमारे पास कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ तक है ना तो अगर हम टू से स्टार्ट करें तो सिक्सटीन तक जा सकते हैं ओके टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन और सिक्सटीन डेटा हम इंशाल्लाह प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे सबसे पहले तो क्लास फोर का है ए, क्लास सिक्स का है इसमें फोर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ यहाँ तक बनेगा इसका ग्राफ ये देखें फोर तक यहाँ तक ऐसा यहाँ पे लिख देंगे हम फोर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं यहाँ पे हम लिख दिया हमने फिर लिखना था हाँ लिख लिया अब क्लास सेवन में टू स्टूडेंट्स हैं है? क्लास में सिर्फ दो बच्चे पाकिस्तानी तो बड़े दीवाने हैं क्रिकेट के तो ये हम यहाँ पे आ गए ओनली टू स्टूडेंट्स क्लास एट में आते हैं हम इसमें टेन स्टूडेंट्स हैं तो ये टेन यहाँ पर होगा यहां पे ठीक है ये हमारे पास क्लास टेन के स्टूडेंट्स हो गए क्लास एट के स्टूडेंट्स हो गए जो कि दस हैं क्लास नाइन के फिफ्टीन स्टूडेंट्स यार ग्राफ बाय हैंड बना रहा हूं तो बर्दाश्त कर लेना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो बेटे तो कितने बच्चे ये समवेयर हेयर ठीक है 15 स्टूडेंट्स क्लास 9 के 15 स्टूडेंट और ये आपने कलर करने यहाँ पे ना बड़ा अच्छा बनाना है और फिर क्लास 10 के हैं फाइव स्टूडेंट्स तो ये दरमियान में यहाँ पे आएगा कहीं ये यहाँ पे फाइव से इन दोनों के यहाँ पे इधर ठीक है भाई तो ये फाइव स्टूडेंट्स देखिए हमें ग्राफ से फॉर्म पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं सिक्स क्लास के फोर स्टूडेंट्स हैं सेवन के टू हैं एट के टेन हैं नाइन के फिफ्टीन हैं और टेन के फाइव स्टूडेंट्स हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमारा हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की जानेब फिर एट है नाइन है क्वेश्चन नंबर सेवन की जानेब हम चलते हैं लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन चले स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है के द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ द नंबर इन थाउजेंड ऑफ़ एप्लीकेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर नाइनटीन एटी फाइव टू एटी नाइन कंस्ट्रक्टा वार्ड्राफ्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो हर साल जो लोग रजिस्टर्ड हुए जो एप्लीकेंट्स रजिस्टर हुए एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आपको दिए हुए और आपने उसको सिंपली फॉर्म में डेटा दिया हुआ यार आपने उसको रिप्रेजेंट करना है बारोग्राफ पे तो हमें पता है कि जो अगर आप फिर पीछे आए थर्ड ट्रू फॉल पे तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज़ वाई एक्सिस के अगेंस्ट आपने ये आपके वाई एक्सिस हैं इनके अगेंस्ट आपने क्या लिखना है डेटा वैल्यूज लिखनी है तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी मैक्सम वैल्यू थर्टी थी मैंने यहाँ इस तरह ये ग्राफ बनाया और यहाँ पे आपने ईयर लिख दिया ईयर एटी फाइव एटी सिक्स एटी सेवन एटी एट एटी नाइन फाइव ईयर्स का डाटा है यहां आपने लिख दिया ईयर्स और यहां आपने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन थाउजेंड्स एटी फाइव में टेन थाउजेंड मतलब ये अपलिकस थाउजेंड है ना टेन का मतलब टेन थाउजेंड होगा टेन थाउजेंड्लीकेंट्स थे एटी सिक्स में फिफ्टीन थाउजेंड थे एटी सेवन में ट्वेंटी थाउजेंड थे एटी एट में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थे और एटी नाइन में थर्टी थाउजेंड थे ले जी ग्राफ बन गया आपने इन सबको डिफरेंट कलर्स दे, दे देने खत्म होगी कहानी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपेरेटिव स्कोर ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ नाइनटीन एटी नाइनटीन नाइनटी फोर रिप्रेंट द बारोग्राफ द डाटा बाय बारोगग्राफ तो अब इसमें क्या करना है आपने ये थोड़ा क्वेश्चन जो है बाकियों से हट के है बाकियों से हट के है तो इसमें आपने दो ग्राफ बनाने होंगे क्योंकि कंपेयर करना होगा दोनों को तो ये मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ या अगली वीडियो में करूँ इसी वीडियो में करता हूँ थोड़ा सा वक्फा ले थक गया हूँ ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया अब क्वेश्चन नंबर एट करते हैं इसमें आ... पता क्या बनेगा देखो या लगे हाथ करवाही देखें क्वेश्चन नंबर एट में ये देखें स्टूडेंट्स यहां आप लिखेंगे इधर तो आ जाएंगे ना आपके सब्जेक्ट्स इधर आएगा मार्क्स स्कोरड बाय गर्ल्स एंड बॉयज ठीक है और यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट्स इंग्लिश मैथ साइंस और यहां पे आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स ओके इंग्लिश मैथ्स फिर ये तो बड़ा बनेगा ये इसको ना देखिए दो-दो ग्राफ बनाने होंगे देखो स्टूडेंट्स मैं बना ही देता हूं ना सब्जेक्ट्स हैं पहला है इंग्लिश फिर है मैथ ओके इंग्लिश मैथ साइंस सोशल स्टडीज और उर्दू साइंस सोशल स्टडीज और लास्ट में उर्दू ये भाई तो गर्ल्स का अलग बनेगा बॉयज का अलग बनेगा परसेंटेज जो है ना वो कम से कम फिफ्टी से स्टार्ट होकर नाइन्टी तक जा रही है तो मैं फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी 90 और हंड्रेड मार्क्स स्कूल मार्क्स कोड बाय गर्ल्स बॉयज परसेंटेज भी लिख दें लिखा हुआ है हाँ इधर लिख दें ब्रैकेट में इन परसेंटेज आप पूरा लिखिएगा परसेंटेज यार मैंने ये लिख दिया परसेंटेज साइन डाल दिया अब इसको हम सबसे पहले तो इंग्लिश में आते हैं द of टेबल छो दा कंपेरेटिव स्कोर्स बॉयजेंट data by बाय graph. आप दो अलग ग्राफ ग्राफ बनाना चाहें तो अलग बना लें गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कंपेरेटिवली उसने कहा तो आप एक साथ बनाइएगा बॉयज़ के सेवेंटी हैं गर्ल्स के एटी हैं इंग्लिश में तो बॉयज़ के सेवेंटी ये देखिए इसको बनाने के ना मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं कि आप ऊपर साइड पे शो कर दें कि ग्रीन ग्राफ शो करता है बॉयज को और रेड ग्राफ शो करता है गर्ल्स को ये देखिएगा बना के देता हूँ ये देखिए ये सेवेंटी पे, पे बॉयज आ गए और एटी पे गर्ल्स आ गई सेवेंटी परसेंट बॉयज यहां पे आ जाएगा गर्ल्स एटी परसेंट लीजिए यह आपका ग्राफ बन ये आपका वॉयस का हो गया ये गर्ल्स का आपने क्या करना है स्टूडेंट्स मैं आपको एक मिनट बताता हूं आपने इसको ग्रीन कलर कर देना है इसको रेड कर देना है कोई भी और भी कर दें और यहां पे ना आपने लिख देना है अगर आपने बॉयस को ग्रीन किया है ग्रीन शोज परसेंटेज ऑफ वॉयस ठीक है और रेड शोज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बस इतना सा काम करना है ये तो आपने ज़रा ऊपर करके लिखना है क्योंकि यहाँ तो मैं ग्राफ बनाऊँगा फिर ये साफ़ इसको रिमूव कर दूँगा ठीक है तो बाकी आपने यही करना है इसको ग्रीन कर लीजिएगा इसको रेड कर लीजिएगा फ़ौरन पास हो जाएगा अगर नहीं भी करना इसको शेड भी नहीं करना सिर्फ ग्राफ बना तो करके ऊपर लिख दे बॉय सेवेंटी परसेंट गर्ल्स एटी फॉर परसेंट गया कि इंग्लिश में बॉयज के सेवेंटी परसेंट गर्ल्स के एटी परसेंट बस इतना सा काम है ये कंपेयर कंपेरिजन भी हो गया हर हर सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट में ये कंपेरिजन है कि बॉयज यहाँ हैं और गर्ल्स यहाँ हैं अब आते हैं मैथ्स में बॉयज नाइन्टी और गर्ल्स सेवेंटी फाइव मैथ में आते हैं बॉयज नाइन्टी पे हैं ओके okay, ब्रदर गर्ल्स सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा हाँ यहाँ पे होगा तकरीबन तकरीबन ले भाई ये हो गए नाइन्टी परसेंट ये बॉयज़ हैं और ये सेवेंटी फाइव परसेंट गर्ल्स हैं तो आप इनको मैथ में ये आ गया आप इनको स्ट्रेट कर ले कैसे भी करना चाहें ठीक है इसको कलर डिफरेंट कीजिएगा मैं तो एक जैसा ही सबको कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको अलग करना है इसको अलग करना है आगे आते हैं हम साइंस पे इसमें क्या है साइंस में है बॉयज सिक्सटी फाइव है गर्ल्स सेवेंटी है बॉयज सिक्सटी फाइव हैं और गर्ल्स सेवेंटी हैं ये ले जी वॉइस और गर्ल्स ये ऊपर चला गया ठीक है और ये सेवेंटी है ले जी ये आपके बॉयज़ हो गए सिक्सटी फाइव परसेंट ये गर्ल्स हो गई सेवेंटी परसेंट ये लीजिए जी ले अब हम आते हैं सोशल स्टडीज़ पे इस पर सोशल स्टडीज़ पे इसमें क्या है बॉयज़ सिक्सटी हैं गर्ल्स सेवन सिक्सटी फाइव हैं हर सब्जेक्ट में गर्ल्स आ गए भाई एक्सेप्ट मैथ के तो सिक्सटी सिक्सटी फाइव ये आते हैं हम यूँ ये हो गया सिक्सटी ये हो गया सिक्सटी फाइव चले जी ये हो गया सिक्सटी परसेंट ये सिक्सटी परसेंट है ये सिक्सटी फाइव परसेंट है ये, है, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं अच्छा जी नेक्स्ट है उर्दू ये इसको भी शेड कर लेना यार नेक्स्ट है उर्दू उर्दू है फिफ्टी परसेंट गर्ल्स हैं और फिफ्टी फाइव परसेंट बॉयज हैं यहाँ भी बॉयज थोड़ा सा आ गया उर्दू में हम आते हैं तो फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट मैं लाइंस दिखा लेता हूँ बाद में इसको हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग उसके मुताबिक कर लेते हैं अच्छा जी अब बॉयज़ फिफ्टी फाइव है तो ये फिफ्टी फाइव है ये फिफ्टी फाइव ओ क्या ओके पंद्रह पंद्रह यार और गर्ल्स थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ये फिफ्टी फाइव और फिफ्टी क्या फिफ्टी फाइव परसेंट ये बॉयज हैं और फिफ्टी परसेंट गर्ल्स हैं ठीक हुआ तो इसके साथ ही भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन एट ठीक है हमने बता दिया फॉरन ग्राफ में भी देखिए कि इंग्लिश में हर हर चीज़ का कंपेरिजन हो गया इंग्लिश में बॉयज़ सेवेंटी परसेंट गर्ल्स एटी परसेंट है मैथ में बॉयज़ नाइन्टी परसेंट गर्ल्स सेवेंटी फाइव परसेंट है साइंस में गर्ल्स सेवेंटी बॉयज़ सिक्सटी फाइव सोशल स्टडीज में गर्ल्स सिक्सटी फाइव बॉयज़ सिक्सटी उर्दू में बॉयज़ फिफ्टी फाइव और गर्ल्स फिफ्टी परसेंट नहीं कंपेरिजन वाला बारोग्राफ भी हमारा बन गया वन आपको आ गया ना आप सबके कलर करने और ऊपर ये राइट right कर देना है दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे द फॉर डिविजन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन करोड्स फॉर वे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन द सेकेंड फाइव ईयरस प्लान रिप्रेजेंट रिप्रजेंटा इन द बारोग्राफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये तो बहुत आसान है यार जल्दी जल्दी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन में है इधर आपने सेक्टर लिख देने सेक्टर्स ओके okay. और इधर क्या लिख देना है एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ रुपीस, एक्सपेंडिचर इन करोड ऑफ रुपीस, ओके तो क्या है फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं तो नाइन चाहिए हमें और अगर हम इसको स्टार्ट कर लें हंड्रेड से तो फाइव हंड्रेड तक जाता है जाता है हंड्रेड से करते हैं हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं अब पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दूसरा है इरिगेशन एंड पावर पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ठीक है दूसरा है इरिगेशन एंड पावर दूसरा है इरिगेशन एंड पावर ओके तीसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट ओके, okay. फिर है इंडस्ट्री ओके okay. फिर है रूरल सर्विसेज, रूरल सर्विसेज अब इन सब का ग्राफ बनाना है सबसे पहले देखें कितना एक्सपेंडिचर किया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे इसका 450 है इसका थ्री सेवेंटी पहले इन दोनों का ग्राफ बना लेते फोर फिफ्टी है ना तो भाई फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड के दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. ये लो यहाँ पे लो जी समवेयर बिटवीन हेयर और ये है थ्री सेवेंटी यहाँ पे आएगा कहीं यहाँ पे चले आप तो स्केल से बनाएंगे तो आपका इंशाला और एक्यूरेट बन जाएगा ठीक है ये है 450, ये है 370। नेक्स्ट है क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट का है 200, 200 इंडस्ट्री का 150। ये है 200 और ये है 150 ठीक है इंडस्ट्री में 150 और लास्ट है 120 ट्वेंटी यही है ना हाँ यार लगता तो यही है तो ये 120 ट्वेंटी समवेयर है ये हो गया 120 ठीक है भाई ले ये आपने बता दिया फ़ौर कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंस किया ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे 450 फिफ्टी करोड्स और इडिगेशन एंड पावर पे 370 सेवेंटी करोड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट पे 200 हंड्रेड करोड्स इंडस्ट्री पे 150 फिफ्टी करोड्स एंड रूरल सर्विसज पे 120 ट्वेंटी करोड्स ये आपके सेक्टर्स आ गए और ये आपने एक्सपेंडिचर इन टू रोड ऑफ रुपीज ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर नाइन था मैं यार लिखा ही नहीं क्वेश्चन नाइन ये हमारा हो गया अब लास्ट जो दो क्वेश्चन है ना वो है पाई चार्ट्स के तो वो करते हैं थोड़ा सा सांस लेके ठीक है चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन को अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो है पाई चार्ट का कह रहा है इन अ सर्वे एक सर्वे किया गया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन क्लास सेवन के स्टूडेंट से पूछा पूछा गया एप्पल्स के बारे में बनाना के बारे में पीच डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में कि भाई कौन सा बच्चा कौन से फ्रूट को पसंद करता है ये सर्वे किया गया अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट ओके द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट उसने किताब में आपको ना एक साइड पर देखे तो वाइट कलर का ना एक पाई चार्ट बना के दिया है उसमें उसने एक बनाना यूं बना के दिया ये एक सेक्टर है ये एक सेक्टर है इसी पाई चार्ट का इसी सर्कल का और ये एक सेक्टर है इसमें मैंगो है इसका एंगल है एटी डिग्री एप्पल है इसका एंगल है वन सिक्सटी डिग्री पीच है इसका एंगल नहीं दिया हुआ बनाना का भी एंगल नहीं दिया हुआ अब देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स कि वो क्या कह रहा है कह रहा है इफ़ वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो टोटल आपको पता है पाई चार्ट का टोटल जो एंगल होगा वो कितना होता है वो हमें पता है थ्री सिक्सटी डिग्री ऐसा अच्छा इफ वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बनानास अगर वन फोर्थ स्टूडेंट जो है वो लाइक like करें कितने को बनानास को वट इज़ द एंगल ऑफ दिस सेक्टर वट इज़ द एंगल ऑफ दिस सेक्टर तो टोटल अगर फर्स्ट पार्ट है इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो क्या होगा वन अपॉन फोर वन फोर्थ है ना वन अपॉन फोर ऑफ टोटल कितना है थ्री सिक्सटी ऐसा वन अपॉन फोर ऑफ थ्री सिक्सटी क्या आएगा इसकी कटिंग कर लें थ्री सिक्सटी को अगर आप फोर से डिवाइड कर लें तो नाइन्टी आंसर आएगा देखें फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स फोर ज़ीरो जा ज़ीरो तो क्या आंसर आया नाइन्टी तो क्या आंसर आएगा नाइन्टी तो डिग्री वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बनाना टोटल थ्री सिक्सटी का वन अपॉन फोर जो है स्टूडेंट्स वो लाइक like करें किसको बनानास को तो वट इज द एंगल ऑफ दिस सेक्टर तो एंगल कितना निकाल लिया हमने नाइनटी डिग्री देखा आपने कितना आसान है फर्स्ट <coughs> वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर टेन का सेकेंड में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ पीच कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीच टोटल एंगल कितना है इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं टोटल एंगल कितना है थ्री सिक्सटी डिग्री ओके माइनस इसमें से सब कर लें बनाना का कितना है 90 माइनस मैंगो कितना है एटी माइनस एप्पल कितना है 160। ये बात समझ बाईस मिनट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि होगा एंगल ऑफ पीच देखे ना टोटल कितना है थ्री सिक्सटी उसमें से नाइन्टी हटा दें एटी हटा दें वन सिक्सटी एट दें तो आपके पास आंसर आएगा थर्टी मैं करके दिखाता हूँ थ्री सिक्सटी टोटल है उसमें से पहले नाइन्टी को सब करेंगे क्या आंसर आएगा टू सेवेंटी फिर सब करेंगे एटी को तो ए, आंसर आएगा वन नाइन्टी फिर सब करेंगे वन सिक्सटी को तो आंसर आएगा ये भी माइनस ये भी माइनस किया थर्टी तो क्या आंसर आया हमारे पास इस सबको सब करके थर्टी डिग्री तो पीच कितना हुआ थर्टी डिग्री ये बात समझ में आ गई तो ये हमारे पास पार्ट वन हो गया ये हमारे पास पार्ट टू हो गया ये हमारे पास पार्ट थ्री पे आते हैं इफ थ्री स्टूडेंट्स ये जरा मजेदार है लेकिन आसान बहुत है इफ थ्री स्टूडेंट्स लाइक पीच हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टुक पार्ट इन द सर्वे समझ में आई बात कह रहा है कि अगर तीन स्टूडेंट्स जो है वो पीच को लाइक करते हैं ठीक है तो बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने सर्वे में हिस्सा लिया अब देखिए अगर टोटल एंगल कितना है जनाब 360 टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री उसमें से पीच में पीच का एंगल कितना है 30 डिग्री टोटल एंगल डिवाइड बाय जो के पीस का एंगल था मल्टीप्लाई करते किससे जो के थ्री स्टूडेंट्स को थ्री स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग पीच ये बात समझ में आई तो आपके पास आंसर आएगा देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं <coughs> अगर 360 ऑल स्टूडेंट्स का डाटा है सिक्स ऑल स्टूडेंट्स मिला के थ्री सिक्सटी डिग्री बना रहे हैं तो और थर्टी जो है डिग्री जैसे थर्टी डिग्री शोज थ्री स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है और कीजिएगा थर्टी डिग्री पीच का एंगल है वो कह रहा है कि थ्री स्टूडेंट्स लाइक पीच जो थर्टी डिग्री है वो किसको शो कर रहा है वो थ्री स्टूडेंट्स को शो कर रहा है थ्री स्टूडेंट्स शोज थर्टी डिग्री तो एक स्टूडेंट किसके बराबर होगा कैसे पता चलेगा थर्टी अपॉन थ्री टेन डिग्री ये बात समझ भाई ये बात समझ भाई एक स्टूडेंट किसको शो करेगा टेन डिग्री को तो थ्री सिक्सटी डिग्री कितने स्टूडेंट्स को शो करेगा जीरो से ज़ीरो कट गया थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही है ना अगर थर्टी डिग्री थ्री स्टूडेंट्स को शो कर रहा है तो एक स्टूडेंट टेन डिग्री के इक्वल हो जाएगा एक स्टूडेंट के अगेंस्ट टेन डिग्री होगा टू स्टूडेंट ट्वेंटी डिग्री थ्री स्टूडेंट थर्टी डिग्री फोर स्टूडेंट फोर्टी डिग्री फाइव स्टूडेंट फिफ्टी डिग्री सिक्स स्टूडेंट सिक्सटी डिग्री सेवन स्टूडेंट सेवेंटी डिग्री ऐसा है ना अब हमें यही सवाल चल गया कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी बताना पड़ेगा लेकिन अगर थ्री स्टूडेंट्स थर्टी को तो बनाना नाइनटी डिग्री है ना इसका मतलब नाइन स्टूडेंट्स है हैं मैंगो एटी डिग्री है तो एट स्टूडेंट्स है अगर ये एप्पल वन सिक्सटी डिग्री इसका मतलब सिक्सटीन स्टूडेंट्स है बात समझ में है ना तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने की है यहाँ पर क्या करेंगे आप टोटल एंगल 360 सिक्सटी डिवाइड बाय थर्टी ये वो एंगल है जो टोटल है उसका और ये जो है जो सिर्फ पीच का है क्या आएगा आपके पास ये ज़ीरो जीरो से कट गया ये थ्री और ये थ्री कट गए आंसर आया क्या सिर्फ थर्टी सिक्स बचा तो आंसर आया थर्टी सिक्स तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने इस सारे में हिस्सा लिया वो क्या है थर्टी सिक्स इस तरह भी आप निकाल सकते हैं यूं निकालना चाहें तो यूं भी निकाल सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन में अगर यूं दिया हुआ हो इसको आप यूं कर दें इसको यूं कर दें इसको यूं कर दें बिल्कुल हंड्रेड परसेंट मार्क्स मिलेंगे आपको फॉर कंसेप्ट थर्टी थ्री सिक्सटी डिग्री टोटल एंगल है सर्कल का पाई चार्ट का थर्टी डिग्री इस पीच वाले स्टूडेंट्स का एंगल है और थ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको दिए जो पीच को लाइक करते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा 36 तो टोटल टो टो स्टूडेंट्स कितने हुए 36 ओके पिछले जो आंसर दिया हुआ ना उसमें 36 लगाया हुआ है ऊपर थोड़ा डिग्री भी लगाया हुआ है वहां डिग्री नहीं आएगा वो गलती होगी उससे 36 सिक्स स्टूडेंट्स डिग्री की जगह वहां क्या आएगा स्टूडेंट्स तो अब हम आगे चलते हैं चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर में कह रहा है कि वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनानास कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो बनानास को लाइक करते हैं तो भाई बनाना का एंगल कितना है नाइन्टी नाइन्टी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी जो जो एंगल बनाना का है वो राइट करेंगे उसके नीचे आप राइट करेंगे जो टोटल एंगल है जो बनाना का एंगल डिवाइड बाय तो टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये आप मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देंगे आपके तो पास परसेंटेज आ जाएगी जा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्यों किया परसेंटेज निकालने के लिए तो नाइन्टी ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा ओके फिर थ्री थ्री जा नाइन और यहां आ जाएगा ट्वेल्व ऐसा क्या आएगा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन और ये ट्वेल्व फिर थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व और फोर वन ज़ा फोर फोर ट्वेंटी जा हंड्रेड तो क्या आया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चे जो हैं टोटल थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स है उसमें से नाइन उस स्टूडेंट्स जब नाना को लाइक करते हैं तो भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट ही बनेगा ना देखिए मैंने जो कैलकुलेशन मैं किया ना नाइन्टी अपॉन थ्री सिक्सटी जरा मैं यहाँ देता हूँ जीरो से जीरो कट गया ना नाइन वन जा नाइन नाइन फोर ज़ा थर्टी ओके नीचे फोर आया यहाँ पे हंड्रेड था ये हंड्रेड को फोर फोर uh, से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव परसेंट क्लियर तो ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर टेन हो गया अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर एज वेल क्वेश्चन नंबर इलेवन करते हैं उसमें कह रहा है कि कोई सिक्स हंड्रेड पीपल टू पार्ट इन सर्वे एक सर्वे हुआ जिसमें छह सौ लोगों से पूछा गया कि द टेबल शोज द रिजल्ट पूछा क्या गया, गया कौन सा आपका फेवरेट स्पोर्ट है कौन सी गेम आपको पसंद है छ सौ बंदों से पूछा और टेबल में बताया उसने कि कितने जो रिजल्ट है वो बताया कैलकुलेट परसेंटेज एंड एंगल सेक्टर ऑफ ईच गेम ठीक है उसने बताया आपको कि 600 बंदों से जो सर्वे हुआ उनमें से 240 ने बताया कि क्रिकेट पसंद है एट वन ने बताया हॉकी पसंद है 60 ने बताया मुझे टेनिस पसंद है 120 ने कहा मुझे बास्केटबॉल पसंद है तो आपने क्या बताना है कि आपने बताना है परसेंटेज कि उस टोटल कितने बंदे थे इन सबको ऐड करो टू फोर्टी वन एटी सिक्सटी को वन को सिक्स बनेगा तो टोटल कितने बंदे हैं सिक्स कितने सिक्स सिक्स हंड्रेड इनको ऐड कर लो तो आंसर आपके पास सिक्स हंड्रेड ही आएगा वो कह रहा है आप बताइए कि कितने परसेंट बंदों को पसंद है क्रिकेट ये तो बता दिया कि इतने बंदे हैं तो परसेंटेज कितनी होगी तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं टू फोर्टी टोटल है डिवाइड कर लें सिक्स हंड्रेड से और परसेंटेज के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें ओके ये ज़ीरो जीरो से कट गया ये जीरो इस जीरो से कट गया सिक्स वन जिक्स सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर क्या बचा फोर मल्टीप्लाई बाय टेन तो क्या परसेंटेज आई फोर्टी परसेंट हंड्रेड की वजह से परसेंटेज निकाली ना फोर्टी तो परसेंट अब हॉकी वन एटी डिवाइड बाय टोटल सिक्स हंड्रेड है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऐसे कर लो ये दोनों जीरो दोनों जीरो से कट गए सिक्स वन जा सिक्स थर्टी तो क्या आएगा थर्टी परसेंट ठीक है वन एटी को सिक्स से डिवाइड करोगे तो देखे ना वन एटी डिवाइड बाय सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स जीरो जीरो थर्टी परसेंट ओके अब आगे है 60 ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है डिवाइड बाय टोटल जो है सिक्स हंड्रेड है मल्टीप्लाय हंड्रेड परसेंटेज के लिए दोनों जीरो इससे कट गए सिक्स वन जा सिक्स टेन सिक्सटी तो टेन परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस पसंद है बास्केटबॉल वन ट्वेंटी डिवाइड बाय सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड जीरो से जीरो कट गया क्या बचा सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी को अंदर रखेंगे सिक्स से डिवाइड करेंगे सिक्स टू ज ट्वेल्व हो गया सिक्स जीरो जीरो आ गया तो आंसर क्या आया ट्वेंटी परसेंट ओके ये आपने हर एक की परसेंटेज निकाल ली अब निकालना है अगर कह रहा है कि अगर आप इसको शो करें एक सर्कल में एक चार्ट में तो बताइए हर एक का एंगल कितना बनेगा ये सर्कल है ना तो अगर आप इसमें सब में शो करें कि क्रिकेट का एंगल कितना बनेगा तो टोटल एंगल कितना होता है चार्ट का थ्री सिक्सटी ऐसा टू फोर्टी लोगों को क्रिकेट पसंद है डिवाइडेड बाय कितना सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई है एंगल कितना बनेगा थ्री सिक्सटी ठीक है बस फर्क क्या होता है परसेंटेज निकालने में यहां मल्टीप्लाई है हंड्रेड करते हैं और एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए यहां मल्टीप्लाई है थ्री सिक्सटी करेंगे बाकी सारी वही चीज़ होगी। ये जीरो इस जीरो से कट गया ये जीरो इस जीरो से कट गया सिक्स वन जिक्स सिक्स थर्टी सिक्स क्या ट्वेंटी फोर मल्टीप्लैप सिक्स तो एंगल क्या बनेगा ट्वेंटी फोर वन झा ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट थ्री सेवेंटी टू 96, 5 120 और डिग्री 144. 144 एंगल बनेगा क्रिकेट का। हॉकी हॉकी आते हैं। है मल्टीप्लाई बाय ओके, ये 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 कितना बनेगा? जीरो, जीरो, इससे इससे कट गया, ये 0, इससे कट गया, गया, 6, 6 करेंगे तो एटीन तो एटीन सिक्स एट डिग्री ये बात समझ आई ओके okay. अब अगला है टेनिस टेनिस जो है सिक्सटी लोगों को पसंद है सिक्सटी अपॉन सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी ये जीरो इससे कट गया ये जीरो इससे कट गया ये सिक्स इससे कट गया आंसर आ गया थर्टी सिक्स डिग्री यही बचाना थर्टी सिक्स प्लस बाकी सारा कट गया अब बास्केटबॉल है वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी अपॉन सिक्स हंड्रेड मल्टी प्लेबाई थ्री सिक्सटी ये जीरो इससे कट गया ये जीरो इससे कट गया सिक्स बनता था सिक्स 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 थर्टी सिक्स ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो आंसर आया सेवेंटी टू डिग्री ले जी सबके एंगल ऑफ सेक्टर भी निकल आए आप देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो थ्री सिक्सटी बनेगा क्योंकि सारे इसी सर्कल में आएंगे ना इसका एंगल देखें वन फोर्टी फोर और वन जीरो एट इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा टू फिफ्टी टू फिर इसमें थर्टी सिक्स ऐड कर लें यह आ जाएगा एट एट और टू फिर इसमें सेवेंटी टू ऐड कर लें ज़ीरो वन कैरी एट एट सिक्सटीन वन कैरी और ये थ्री सिक्सटी ले जी ये बात समझ में आई है तो सारे सर्कल में आ जाएंगे क्लियर हुआ तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट ये चैप्टर कर लिया क्वेश्चन इलेवन भी हमारा कंप्लीट हो गया इसमें हमने परसेंटेज भी निकाल ली और एंगल ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया अब इन अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी जो एट नाइन टाइन की होगी तब तक के लिए अपना अपने युर्ग के लोगों का ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़